हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुराग शर्मा है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैथ का मतलब। ठीक है, आखिर मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, पहले स्पेलिंग समझ लीजिए मैथमेटिक्स की। MATHEMATICS, ये मैथमेटिक्स की फुल स्पेलिंग होती है। ठीक है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देते हैं। ठीक है, एक तरफ लिखते हैं हम इसको मैथ लिखते हैं, ठीक है, और कहीं कहीं हम इसको मैथ्स लिखते हैं। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि भाई इसमें सही कौन सा है, गलत कौन सा है। देखिए, दोनों सही हैं, इसमें दोनों सही हैं, मैथ भी ठीक है और मैथ्स भी ठीक है। जो मैथ वर्ड है ये हमारा कनाडा और यूएस में, ठीक है, यूएस में बोला जाता है मैथ, लेकिन जितनी अदर कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया भी है, तो वहाँ पर हमारे क्या बोलते हैं, मैथ्स। तो हमारे इंडिया में मैथ्स बोलते हैं, तो आप इसको इससे समझिए, आगे से हम जब इसको मैथमेटिक्स की जगह हम मैथ को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जो मैथमेटिक्स वर्ड है ये आया कहाँ से, देखिए एक ग्रीक लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज। वहाँ में एक वर्ड है मैथमा। कौन सा वर्ड है, मैथमा, जिसका मतलब होता है नॉलेज। KNOWLEDGE, नॉलेज होता है। और भी मतलब होते हैं वहाँ पे, लर्निंग भी होता है इसका मतलब, ठीक है, और स्टडी भी होता है। तो आप समझ गए होंगे कि मैथमेटिक्स वर्ड हमने कहाँ से लिया है और क्यों लिया है, क्यों मतलब होता है नॉलेज, लर्निंग और स्टडी। ठीक है, तो ये है। अब मैथमेटिक्स की डेफिनेशन क्या है वो समझते हैं हम। तो जो इसकी डेफिनेशन है मैन जो है, तो आप इसको ज़्यादा मतलब अंदर मत जाइए, जो डेफिनेशन है इसकी वो बहुत सिंपल है। ठीक है, बस आप ये समझिए कि ये एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, क्या स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं। ठीक है, किस चीज़ की स्टडी करते हैं, हम करते हैं नंबर्स की स्टडी, नंबर्स की स्टडी। नंबर्स हम क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं, और क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, ये सब आप करते हैं। ठीक है, हम इसके इसमें मैथ्स में शेप भी पढ़ते हैं, बात समझ में आई, शेप भी पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे हम इसमें काम करते हैं, है ना। लेकिन आप इसमें कुछ ही वर्ड समझ लीजिए जो जो हम मैथ में मेन जो इसमें यूज़ करते हैं। जैसे आपका मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट भी करते हैं, ठीक है, मेजरमेंट भी कई तरह का होता है, तो इसमें कई सारे हम मेजरमेंट भी करते हैं। सो इसमें मैथ की डेफिनेशन को आप ज़्यादा इसको डीपली जाके समझ लीजिए कि एक सब्जेक्ट है जिसमें हम स्टडी करते हैं। किस चीज़ की स्टडी करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं नंबर्स की। ठीक है, नंबर्स के बारे में नेक्स्ट मैं टॉपिक बताऊंगा, ठीक है, जिसमें हम काउंटिंग करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा मैं, काउंटिंग के बारे में बताऊंगा और कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा और शेप्स के बारे में बताऊंगा और मेजरमेंट के, इन सब के मैं अलग अलग टॉपिक बनाऊंगा। आज मैंने आपको बताया है सिर्फ इसमें कि मैथमेटिक्स जो होता है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, वो कहाँ से वर्ड लिया गया है, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है। देखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैथ भी बोलते हैं और मैथ्स भी बोलते हैं। हमारे इंडिया में मैथ्स बोला जाता है और ग्रीक लैंग्वेज में इसको मैथमा वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है नॉलेज, लर्निंग और स्टडी। ठीक है, और इसकी जो डेफिनेशन है बस वो यही है कि एक सब्जेक्ट है जिसमें हम स्टडी करते हैं। किस चीज़ का, नंबर की स्टडी करते हैं, काउंटिंग स्टडी करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं इसमें, ठीक है, काउंटिंग करते हैं और शेप्स के बारे में हम पता लगाते हैं, बताऊंगा कैसे नेक्स्ट वीडियो में, और मेजरमेंट में मैं दो ये वीडियो बनाऊंगा, मैं ये सीरीज़ है मेरी पूरी है। ठीक है, और इसमें हम एक सीरीज़ के साथ चलेंगे, तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि तो बेटा मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट इससे वंचित रहे। तो आपके जितने भी कलीग्स हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आप उनको भी चाहते हैं अपनी ये नॉलेज शेयर कर लेना, तो आप इनके साथ शेयर करिए। और ये छोटी सी नॉलेज, बहुत स्मॉल नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर करी है, तो क्या कैसी लगी आपको ये नॉलेज, आप मुझे बताइए इसके बारे में, कमेंट लिख के बताइए, लाइक मत करिए, कमेंट लिखिए, जो भी कमी हो वो कमी मुझे बताइए कि क्या इसमें कमी रही। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।